खरगोन जिले के गोगांव में आगामी त्योहार नागपंचमी, मोहर्रम, रक्षाबंधन, शिवडोला को लेकर गोगांव जनपद पंचायत हॉल में प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खरगोन SDM मिलिंडो के गोगांव तहसीलदार रामकृष्ण अहिरवार, भिकनगांव SDOP संजू चौहान, गोगांव थाना प्रभारी महेश सुनैया, बिजली विभाग से मुकेश डावर एवं दोनों समुदाय के शांति समिति सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में मोहर्रम के ताजिए व शिवडोला पूर्व निर्धारित मार्गों से निकालने संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने त्योहारों को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। वहीं उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए SDM ढोके ने बताया कि त्योहारों और जुलूसों में DJ पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेंगे। अगर आयोजकों को जरूरी लगता है तो उसकी अनुमति अलग से लेना होगी। गोगांव से संवाददाता इकबाल हकीम की रिपोर्ट। ये भी आगामी जो त्योहार आ रहे हैं, मुख्य रूप से मोहर्रम है इसमें, और इसके बाद शिव डोला होता है और नागपंचमी वगैरह, राखी वगैरह, इन सब विषयों के लिए आज बैठक रखी गई थी। सभी समुदाय के लोग थे। पूर्व से जो निर्धारित इनका रूट का जगह है, उसी जगह से निकालने के लिए सबकी सहमति, चाहे वो मोहर्रम हो चाहे शिव डोला हो, सभी में विस्तृत चर्चा हो गई है। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारे कार्यक्रम होंगे। सर, एक प्रश्न आ रहा था शांति समिति की बैठक में किसी बात को लेकर कि मोहर्रम जाना नहीं जाना, सर क्या था मामला? ऐसा कोई नहीं था प्रश्न, वो रूट उनका पूर्व का ही था। चूँकि वहाँ स्थान कुछ एक जगह है, वहाँ कम है, तो वहाँ पर अखाड़े वगैरह नहीं जाएंगे, ऐसा करके सभी लोगों ने निर्णय लिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।